पैराडाइज कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा फोटोशॉप में कि कैसे लिखा जाता है और कैसे मल्टीपल कलर भरा जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना फोटोशॉप खोलना है। तो चलिए मैं अपना फोटोशॉप खोल लेता हूँ। जैसे फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो ये एडोब फोटोशॉप सेवन जो है इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद इस तरह से ये ब्लैंक नजर आएगा। अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल जैसे यहाँ ये टूल नजर आ रहा है, इस टूल का हमको यूज करना है। इसके लिए पहले हम ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज अगर लेना है तो क्या करेंगे, फाइल में आएंगे और न्यू पे आने के बाद जो भी पेज का साइज लेना चाहते हैं कोई भी पेज ले लेते हैं और यहाँ से साइज यहाँ से ओपन कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे, अगर कुछ इसमें लिखना है जैसे हम या ये ओरिजिनल टूल कर लेते हैं, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा खींच लेंगे। अब इसमें आप जो भी लिखेंगे जो इस कलर में, तो यहाँ देख लेते हैं दो कलर, एक ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ, एक ऊपर में ये कलर दिख रहा है, एक नीचे कलर दिख रहा है। ऊपर में जो भी कलर आपको दिखेगा ये क्या होता है, ये फोरग्राउंड कलर होता है ऊपर वाला, और नीचे का होता है बैकग्राउंड कलर का। ये फोरग्राउंड कलर में आप जो भी कलर शो होगा उसी कलर में आप लिख पाइएगा। ये ब्लू शो हो रहा है तो इसलिए मैं इसमें लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा पैराडाइज, जैसे लिख लिया। अब मैं चारों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंगल कलर में लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल कलर में हो, ठीक है, अब क्या कीजिए, जैसे ये भी हम लिखे हैं, इसको ये यहाँ के स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेस को क्या करते हैं, इसको कम कर देते, इसको कम कर देना है, तो कम कर दिया। अब यहाँ से क्या कर दिए, इसको मूव टूल का यूज पर क्लिक कर देते। अब चाहे तो इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं या इसको छोटा करना हो तो जितना छोटा कर सकते, जैसे कि ये बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगल कलर, अगर हम चाहते इसको मल्टीपल कलर करना है तो मल्टीपल कलर करना है तो क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारा इस कलर में दिख रहा है, यहाँ ये स्टाइल में ये कलर दिख रहा है, तो इसको कैसे किया जाए कलर, जिस भी कलर का लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये कलर हो गया, जो भी कलर लेना है तो ये कलर पर क्लिक करके ये मल्टीपल कलर कर सकते हैं। ये हो गया आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।